आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में मिलने वाले प्रसाद को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे भक्तों की आस्था को तो ठेस पहुंची ही है, साथ ही आंध्र प्रदेश का सियासी पारा भी गर्मा गया है। चंद्रबाबू नायडू ने पूर्ववर्ती पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर जानवरों की चर्बी और केमिकल मिलाकर तिरुपति बालाजी भगवान के लड्डू प्रसाद को अपवित्र बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रबाबू नायडू की तिरुपति मंदिर के प्रति आस्था इसलिए भी अधिक है क्योंकि 1 अक्टूबर 2003 को तिरुमाला की पहाड़ियों पर ही नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से उनकी कार को उड़ा दिया था, लेकिन कार के बुलेट प्रूफ होने के चलते उनकी जान बच गई और वे उन्हें मिली इस दूसरी जिंदगी को तिरुपति बालाजी की ही देन मानते हैं। यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तिरुपति मंदिर के प्रसाद में हो रही मिलावट का ही मुद्दा उठाया। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీదేమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. सुन लिया आपने, नायडू कह रहे हैं कि मंदिर में सालों से बनाए जा रहे लड्डू प्रसाद में जगन रेड्डी सरकार के राज में घी की जगह पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब लैब रिपोर्ट आई तो उससे भी यह साबित हो गया कि लड्डू बनाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे घी में पशु वसा था, साथ ही घी में मछली का तेल, चर्बी आदि के अंश भी मिले। अब जरा इस पूरे विवाद के पीछे के कारणों को भी समझ लीजिए। दरअसल सालों से तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक सरकार की कर्नाटक मिल्क फेडरेशन डेयरी नंदिनी से शुद्ध घी की सप्लाई होती थी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान जब सीएम जगन रेड्डी के चाचा वाईएस सुबा रेड्डी को तिरुमाला तिरुपति मंदिर का चेयरमैन बनाया गया था, तो नंदिनी घी के साथ साल 2005 से 2020 तक चला आ रहा मंदिर प्रशासन का घी खरीदने का करार टूट गया क्योंकि दूध के दाम बढ़ने के साथ नंदिनी डेयरी ने पुराने दामों पर घी सप्लाई में असमर्थता जताकर सालाना टेंडर की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। बस फिर क्या था, मंदिर प्रशासन के चेयरमैन की तरफ से नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया और उसी कंपनी पर आरोप है कि वह शुद्ध घी की बजाय जानवरों की वसा और चर्बी मिला घी सप्लाई करने लगी। और आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनाने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू को इस गड़बड़ी की खबर लगी। हालांकि जगन मोहन रेड्डी सरकार में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बनाए गए वाईएस सुब्बा रेड्डी ने सीएम नायडू के इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। Yesterday, our Chief Minister Chandrababu Naidu has commented baseless allegations, shocking allegations, like saying that in TTD, while YCP is in governance, animal fat being used. This is ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच अब जरा आपको यह भी बता दें कि आखिरकार तिरुपति के लड्डू प्रसाद को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के मंदिर में करीब 308 साल से लड्डू प्रसाद भगवान को भोग के रूप में चढ़कर उन्हें भक्तों को दिया जाता रहा है। साल 1715 से इस प्रसाद को यहाँ वितरित करने के प्रमाण भी मिले हैं। इस वक्त हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा लड्डू बनाकर प्रति लड्डू 50 रुपए की दर से अतिरिक्त लड्डू यहाँ आने वाले भक्तों को बेचा भी जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर आने वाले हर भक्त को 2 लड्डू प्रसाद निःशुल्क दिए जाने के बावजूद भी इनकी बिक्री से मंदिर प्रशासन को हर साल इसकी बिक्री से 150 करोड़ रुपए की आय हो जाती है। साल 2009 में इस लड्डू प्रसाद को GI टैग भी मिला है, यानी कि मंदिर परिसर के अलावा कहीं और इस तरह का लड्डू बनाकर उसे इस नाम से नहीं बेचा जा सकता है। त्योहारों, खास तौर पर ब्रह्मोत्सव के दौरान इन लड्डुओं की बिक्री सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 24 घंटों तक होती रहती है। उसे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है
तब तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे अंतर, मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। साल 2015 में सर्वाधिक 1.8 मिलियन लड्डू बेचे गए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के ट्रस्ट बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए 5,142 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को मंजूरी दे दी है, जिसमें से हुंडी के आने वाली 1,611 करोड़ रुपए की आय के साथ 150 करोड़ रुपए लड्डू प्रसाद की आय भी शामिल है। भालाजी दर्शन के बाद पिलिग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी, उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अडल्ट्रेटेड, वी गॉट एन रिपोर्ट दैट वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट ऑयल वाज मिक्स्ड इन दैट। It's a very bad thing happened for in Tirumala history. अब जरा यह भी समझ लीजिए क्यों तिरुपति बालाजी मंदिर को सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आम दिनों में आने वाले भक्तों की संख्या 50 से 60 हजार होती है, और शनिवार और रविवार को यह संख्या बढ़कर 80 हजार और मंदिर में होने वाले विशेष उत्सव और आयोजनों के दौरान 1,00,000 से 1,25,00,000 भक्त यहाँ आकर दर्शन करते हैं। तिरुपति ट्रस्ट के पास कुल भगवान के नाम 11,329 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 8,496 करोड़ रुपए है। ट्रस्ट ने इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों में भी जमा कर रखा है। बैंकों में 13,287 करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा किए गए हैं, जिस पर सालाना 1,600 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। अप्रैल 2024 तक तिरुपति ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड 18,817 करोड़ रुपए कैश बैलेंस भी है। KJ श्रीवस्तन, ब्यूरो रिपोर्ट।